पलवल वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय माम ने जानकारी देते हुए बताया कि गर्मी के कारण अधिकतर लू लगने, डिहाइड्रेशन, डायरिया, वोमिटिंग जैसी बीमारियों के होने की संभावनाएं तेज हो जाती हैं। उन्होंने बताया कि ये सारी बीमारियां अधिकतर मक्खी मच्छर की वजह से होती हैं। अभी तक जिला अस्पताल में ऐसी मरीजों की संख्या नहीं बढ़ी है, लेकिन आने वाले कुछ समय में गर्मी अपने चरम पर रहेगी, उस समय इस तरह के मरीजों की तादाद बढ़ सकती है, जिसको लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। मरीजों को अच्छा और सुनिश्चित इलाज दिया जाएगा। डॉक्टर अजय माम ने बताया कि इन सभी बीमारियों के न होने से पहले ही हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। अपने आसपास सफाई रखें और कहीं भी गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें। उचित मात्रा में पानी पिएं, साथ ही जब भी बाहर निकले तब अपने सिर पर कपड़ा रखें। साथ ही कटे हुए फल और सड़क पर बिना ढके बिकने वाले पेय पदार्थ या फल मिठाइयों का सेवन ना करें। गर्मी में ज़्यादातर तो जो गर्मी के कारण बीमारी होती है, जैसे लू लगने का, डिहाइड्रेशन, डायरिया, वोमिटिंग, ये सारे ज़्यादातर रोग बढ़ जाते हैं। इसके साथ में फिर गंदे पानी की वजह से मच्छर, मक्खी, इनकी वजह से बीमारियां बढ़ती हैं। तो लेकिन अभी फ़िलहाल इस सीज़न में अभी हमारे हॉस्पिटल में ऐसे कोई पेशेंट बड़े नहीं हैं जो कि हम कहें कि गर्मी के कारण हो रहे हैं। वैसे सावधानियां लोग पहले से बरते हैं, तो शायद हम आगे भी यही आशा रखेंगे कि इस टाइप की बीमारियां ना बढ़ें। सावधानियों में मैं यही कहूंगा कि एक तो अपने आसपास में सफाई रखें, पानी ज़्यादा लें, क्योंकि गर्मी में पानी की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, तो इसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की बढ़ती है। प्यास लगे तो पानी अवश्य लें, पानी पीने में देरी ना करें। पानी स्वच्छ पिए, उसके लिए पानी जो हमारे घरों में अगर आर ओ लगे हैं तो आर ओ वाला पानी, यहाँ तक कि जो हमारी सप्लाई का पानी है उसमें भी हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से चेकिंग हो रही है क्लोरीनेशन है या नहीं है, और जहाँ जहाँ पे कुछ कमियाँ थी वो डिपार्टमेंट ने पूरी कर ली है पब्लिक हेल्थ वालों ने, और क्लोरीनेशन पानी में हो रहा है। तो पानी स्वच्छ पिए और गंदगी अपने आसपास में कम रखें। मच्छर मक्खी से बचने का प्रावधान करें, स्पेशली मच्छर के लिए मच्छरदानी, जो कॉइल शॉइल हम यूज़ करते हैं घरों में, मच्छर से जितना बचाव रखें वो उनके सेहत के लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, गंदा पानी या इन स्वच्छ पानी जो पड़ा रहता है घर में, कूलरों में पड़ा हुआ है, उसकी सफाई नहीं होती, टूटे फूटे बर्तनों में पड़ा रहता है पानी, वो चीज़ एक रेगुलर हैबिट बनाएं कि उनको हमने साफ रखना है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें पानी इकट्ठा हो रहा है, जैसे टूटा फूटा बर्तन है, तो उनको वहाँ से हटा दें और कूलर शूलर की सफाई नियमित रूप से करें। जहाँ पे पानी इकट्ठा रहेगा वहाँ पे मच्छर पनपेगा, मच्छर पनपेगा तो बीमारियाँ पनपेंगी। ये चीज़ का लोगों ने खास ध्यान रखना। डॉक्टर साहब, जैसा कि कटे हुए फल, बिना ढकी मिठाइयाँ और ठेलियों पर गन्ने का रस, तो इस तरीके से इनसे भी बचाव रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल बचाव रखने की ज़रूरत है, यही बात आती है मैं जो कह रहा हूँ कि स्वच्छता रखनी है। मच्छर मक्खी जहाँ पे आ गया वहाँ पे बीमारियाँ आ गई। आप कटे फल सड़क पे रख रहे हो, गन्ने का जूस वहीं पे बन रहा है, सारी मक्खियाँ उस पे बिनबिना रही हैं, तो वो उससे बीमारियाँ तो फैलेंगी ही फैलेंगी। तो लोग अपनी तरफ से ये एहतियात बरते हैं कि जहाँ से भी वो जूस खरीदें, फ्रूट खरीदें, कटा फटा ना लें, सड़क पे बन रहा जूस ना पिएं। यदि वो रेडी वाला, दुकान वाला अच्छी तरह से उनको ढक के साफ सफाई से बना रहा है तो ठीक है, वरना ऐसा जूस फल इस्तेमाल ना करें। तो ऐसे लोगों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग द्वारा उस पर जाँच की जाती है, और इसमें कमेटी द्वारा भी जांच की जाती है। जहां पे ऐसी कोई दिक्कतें मिलती है, शिकायत आती है, तो उसको कार्रवाई करते हैं उस पर। गर्मी के मौसम को लेकर के जिला स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने पीने के पानी और कटे फल, धूल मिट्टी में रखे पेय पदार्थों का सेवन न करने और उन पर कार्यवाही करने की बात कही है। पलवल से सतीश भुटानी के साथ वीना चौहान की खास रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें बेवक्त क्रांति पर।